हाई एवरी वन, यस आई एम योर फ्रेंड सहिता कुमारी। वेलकम माई चैनल राजेश्वरी फूड। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए फिर एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। रेसिपी बनाने से पहले दोस्तों आपसे दोस्तों आप देख सकते हो मेरे प्लेट में एक साइड छुहारा है, ड्राई छुहारा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो ड्राई हल्दी रखा है, हम रेसिपी बनाते हैं। मीठा हल्दी इसको बोलते हैं, सब जानते हैं। और एक साइड ये एलमोंड्स है, तो एलमोंड्स मैंने 20 से 25 लिया है, छुहारा मैंने 10 से 12 लिया है। क्योंकि सर्दियों का मौसम है दोस्तों, तो आज मैं इन सब चीज़ों से एक हेल्दी ड्रिंक, मिल्क ड्रिंक बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसको क्या करेंगे, ये छुहारा है तो इसको हम एक बॉल है इसमें सारे के सारे डाल देते हैं, साथ ही साथ हम इसको भी एलमोंड्स को भी डाल देते हैं। और ये दूसरा बॉल है, दूसरे बॉल में ये हम गेटा वाला हल्दी डाल देंगे दोस्तों। तो दोस्तों अब हम इसको 3-4 पानी से धोएंगे और साथ ही साथ हल्दी को भी दो बार धो लेते हैं दोस्तों। दो बार इसे भी पानी से हम धो लेंगे, ताकि इसमें बाजार सब में मार्केट से दूर से आता है ना, और पैकेट वाला भी है। तो दोस्तों आप इसे ऊपर से जो भी हमारा ये रहेगा धूला मिट्टी कूड़ा करकर वो साफ हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। और इसे भी मैं 2 से 3 पानी से धो लेती हूँ दोस्तों। तो दोस्तों इसको मैंने 2 से 3 बार पानी में धो लिया है, इस हल्दी को भी धो लिया है। अब हम इसको भी कवर करके रख देते हैं, इसको भी कवर करके रख देते हैं। दोनों को मैं कवर करके रख देती हूँ और आगे का प्रोसेस करते हैं दोस्तों। इसको हमने फूलने के लिए दिया था, देख लेते हैं, आप देख सकते हो दोस्तों छुहारा अच्छी तरह से फूल गया है, सॉफ्ट और मुलायम हो गया है। पूरे छुहारा और जो पिस्ता थे हमने पानी में दे रखा था, पूरा सॉफ्ट और मुलायम हो गया। साथ ही साथ हमारा जो हल्दी हमने दिया था फूलने के लिए गेठा वाला, वो भी अच्छी तरह से फूल गया है दोस्तों, देख सकते हो पूरा मुलायम हो गया। इसे हाथ से टूट जा रहा है, ऐसा है, ये पूरा टूट गया है। तो इसको मैं सिलबट्टे पे पीस लेती हूँ, पेस्ट बना लेती हूँ। और ये जो छुहारा है दोस्तों, छुहारा का जो बीच वाला सीड्स होता है, सीड्स मैं निकाल लेती हूँ। और ये जो पीछे में होता है इसका खोइंचा, उसको भी मैं सारे निकाल लेती हूँ दोस्तों। देख सकते हो मैंने इसका पूरा छिलका निकाल लिया है, और इसका भी पूरा सीड्स और पीछे वाला जो है वो सब निकाल दिया है। तो इसको हमको ग्राइंड करना है। इससे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं, ये छुहारा देखने में ये खजूर की, मतलब खजूर का ही प्रजाति है, तो वो थोड़ा सॉफ्ट होता है दोस्तों, और ये थोड़ा सा टाइट। इसको हम फुला के खाते हैं दोस्तों। इसमें भरपूर मात्रा में दोस्तों जिंक, विटामिन्स, मिनरल्स पूरा भरपूर मात्रा में है दोस्तों, जैसे कि जिंक, फॉस्फोरस, पोटासियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, सब इसमें भरपूर मात्रा में भरे होते हैं दोस्तों। और विटामिन ए, ई, सी, B12 और B6 भी इसमें भरपूर मात्रा में होते हैं दोस्तों। और ये जो है हमारे फेफड़े, हार्ट्स के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं, और ख़ासकर जो दमा के पेशेंट होते हैं दोस्तों, उनके लिए तो ये रामबाण है। खजूर देखने में छोटा सा लगता है दोस्तों, लेकिन इसके जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ही लाभदायक है दोस्तों। ये शरीर को सुडोल, सुंदर और स्वस्थ बनाता है। साथ ही साथ दोस्तों ये बवासीर में भी बहुत काम आता है दोस्तों। जिसका मल क्लियर नहीं होता है, वो रात को दूध में भिंगा के सोते समय प्रतिदिन 2 खजूर खाए तो उनका पेट, बवासीर, कब्ज, इसमें बहुत ही लाभदायक होता है। और इसकी जो एक और खासियत है दोस्तों, इसके सीड्स जो होते हैं, इसके बीच के जो सीड्स होते हैं, उसको पानी में फुला के और सिलबट्टे में ऐसे रगड़ने से, फोड़े फुंसी चेहरे पे लगाने से क्या होता है दोस्तों, फोड़े फुंसी भी कम हो जाते हैं। और ये
दुर्बलता जो होती है हमारी शरीर की वीकनेस वो भी दूर कर देता है दोस्तों। और इसमें कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में भरा हुआ है। साथ ही साथ इसकी और एक खूबियां हैं दोस्तों, जो बच्चे होते हैं ना नॉर्मल, वो बड़े होते हैं और उनका पैसा जो बिस्तर पे वो करते हैं रात में, ये एक खास इम्पोर्टेंस है इसकी जो मैं आपसे बता रही हूँ। जिनका बच्चे का टॉयलेट बड़े होते भी होता है और रात में उनको भी दूध में सोते समय भिगा के देंगे तो उनका जो टॉयलेट है बिस्तर पे होना बंद हो जाएगा दोस्तों बच्चे का। कभी कभी आप देखोगे ये प्रॉब्लम समटाइम्स किस किसी बच्चे में होता है, तो इसको सोने से पहले आप दूध में भिगा के बच्चों को रोज़ाना प्रतिदिन दो दोगे तो उनकी जो ये इस समस्या से उनको निजात मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इतनी नन्ही सी प्यारी सी खजूर है और काम इसके, ये हड्डियों में जॉइंट पेन होता है ना दोस्तों, उसके लिए भी ये लाभकारी है। साथ ही साथ हम जो आज मिल्क ड्रिंक बना रहे हैं, हेल्दी मिल्क ड्रिंक, तो उसमें हम पिस्ता का एलोमोंट्स का भी काम कर रहे हैं। तो एलोमोंट्स हम जब से बच्चे जब बड़े होते हैं, जवान होते हैं और जब हमारा उम्र ज़्यादा हो जाता है, तो इसको भी हम रोज़ लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। और इसको दूध में भिंगा के और पानी में भिंगा के इसके छिलके उतार लेने से तो ये ज़्यादा लाभकारी हो जाती है। ये जो हमारी जिनको भूलने की बीमारी होती है, रोज़ाना 6 से 7 बादाम पानी में रात को भिंगा दे और सुबह खाएँ तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करते हैं, याददाश्त तंदुरुस्त करते हैं, हमारे जो भूलने की बीमारी है उस समस्या को दूर करते हैं। ये हमारे हार्ट के लिए भी बहुत लाभकारी है दोस्तों। साथ ही साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट तो रहता ही है और ये हमारा इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है। साथ ही ये हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको सुचारू रूप से चलाता है दोस्तों, उसको सुव्यवस्थित करता है हमारे ब्लड सर्कुलेशन को, और ये हमारे हड्डियों को बहुत मजबूत बनाता है और इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम भरा हुआ है। तो आज मैं इन दोनों के मेल से ही हेल्थ ड्रिंक बनाने वाली हूँ, एक हेल्दी हेल्थ ड्रिंक। साथ में हम इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे दालचीनी है, दालचीनी का भी हम इस्तेमाल करेंगे। दालचीनी को भी यूज़ किया जाता है, ये हमारे खड़े मसाले हैं दोस्तों, इलायची और ये दालचीनी। तो दालचीनी क्या होता है, दालचीनी को हम कफ वगैरह जिनका होता है अस्थमा उनके लिए बहुत उपयोगी होता है दोस्तों। तो दोस्तों दाल और इलायची तो हमारे खड़े मसाले हैं और इसकी जो तासीर होती है दोस्तों, ये गर्म होता है दालचीनी, ठंडे में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और इसका हम लोग काढ़ा जो होता है कफ वगैरह सब में यूज़ करते हैं, गला में जो खराश वगैरह सब होता है गर्म पानी में डाल के गार्गल करने से हमारा जो गले का इन्फेक्शन होता है वो ठीक होता है। क्योंकि ये गर्म प्रवृत्ति का है तो इसे एक दिन में 1 से 2 बार ही यूज़ करना चाहिए दोस्तों। इसका मसाला चाय भी बहुत टेस्टी बनता है दोस्तों। इलायची की तासीर ठंडी होती है दोस्तों, ये आपके अगर मुंह में दुर्गंध आ रहा है, मुंह में बदबू आ रहा है, तो खाना खाने के बाद आप इसको खाने के ऊपर से 2 माउथ में रखोगे ना, मुंह में आप चबाओगे तो उसको जो बदबू दुर्गंध आता है उसको दूर करता है। मितली आती है, किसी को उल्टी आता है उसके लिए भी ये बहुत, जिसका नाक गर्म हो गया है उसके लिए, इन सब के लिए बहुत उपयोगी है। तो इन सब चीज़ों को मिला के आज हम एक इम्यूनिटी बूस्टर एनर्जी से भरपूर मिल्क हेल्थ ड्रिंक बनाने वाले हैं, जो इस ठंडी में रामबाण का काम करेगा, हमारे वायरल इन्फेक्शन को दूर करेगा दोस्तों। तो आजकल का जो आधुनिक समय है, हम कुछ भी खा पी लेते हैं कहीं भी कुछ भी, तो हमारे हेल्थ के लिए ये बहुत ही अच्छा है दोस्तों। और इसका सेवन सबसे अच्छा, रात में एक रोटी खा लिया, बिस्तर पे सोने के लिए जा रहे हैं तो 1 गिलास सेवन कर लेते हैं, इसे हमारी जो अनिद्रा की बीमारी है वो भी दूर हो जाती है। सोते वक्त इसे पीना चाहिए इस हेल्थ ड्रिंक को, और अच्छी नींद आएगी हमारे बॉडी में, जहाँ भी पेन होगा दोस्तों वो थकान हमारा मिटा देगा, कमजोरी मिटा देगा। तो दोस्तों इस हेल्थ ड्रिंक का उपयोग तो सबको करना ही चाहिए। अब जो ये मैंने छुड़ा के रखा था दोस्तों, इसको मैं इस मिक्सी के जार में डाल देती हूँ। मुझे इसका को मैंने पूरा एक मिक्सी के जार में डाल दिया है।
अगर इसको फाइन पेस्ट बनाते समय कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप दूध का इस्तेमाल कीजिएगा। मेरे पास ये दूध है दोस्तों, आप देख सकते हो ग्लास में दूध है, तो मैं थोड़ा थोड़ा इसमें दूध का इस्तेमाल करके इसको फाइन पेस्ट बना लेते हूँ दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हो मैंने इसका एकदम फाइन पेस्ट बना लिया है। तो दोस्तों मैंने उसका फाइन पेस्ट कर लिया है। अब जो करना है हमें, ये मैंने काउ मिल्क लिया है दोस्तों, और सुबह में ये बॉयल दूध है, काउ मिल्क है बॉयल। तो इसका जो मलाई वगैरह था मैंने उसको निकाल दिया है। मलाई लेने से क्या होगा, ज़्यादा फुल फैट दूध लेने से वज़न बढ़ जाएगा, और जो ज़्यादा फैटी फैटी आदमी है ज़्यादा और मोटे हो जाएंगे दोस्तों। तो जो जो दुबले हैं उनको अगर मलाई दे के पीना पसंद है दुबले लोग, तो वो फुल फैट दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन काउ मिल्क की अपनी विशेषता होती है, काउ मिल्क बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए, प्रोटीन और कैल्शियम तो भरपूर मात्रा में रहता ही है। प्लस ये थोड़ा सा पतला टाइप का रहता है, जिससे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको ईजिली पचा लेता है इस दूध को, काउ मिल्क को। इसीलिए तो डॉक्टर भी हमें सलाह देते हैं कि जब बच्चे बड़े होते हैं उन्हें बाहर का दूध, पैकेट वाला दूध देने के बजाय आप काउ मिल्क का ही इस्तेमाल कीजिए बच्चों के लिए। तो मैं सिर्फ काउ मिल्क में ये रेसिपी बना रही हूँ। अगर आपके पास काउ मिल्क अवेलेबल है तो ये रेसिपी काउ मिल्क में ही बनाइएगा। अगर फुल फैट क्रीम लेना है तो फुल फैट क्रीम के साथ आप ये रेसिपी बनाइएगा। अनदरवाइज जो फुल फैट नहीं लेना चाहते तो मलाई आप निकाल के बनाइएगा। जिनके पास काउ मिल्क अवेलेबल है आप काउ मिल्क में बनाइएगा, नहीं तो आप जो फुल फैट क्रीम है उसकी मलाई आप निकाल के तब बना सकते हो, नहीं तो आपके चॉइस पे। अगर आपको फुल फैट क्रीम के साथ ही ये रेसिपी खाना है तो आप अपने चॉइस के साथ काम कर सकते हो दोस्तों। मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है दोस्तों, और मैंने लगभग एक लीटर काउ मिल्क लिया था, तो मैं इसमें सारे एक लीटर दूध इसमें डाल दे रही हूँ, क्योंकि बॉइल्ड मतलब खौलाया हुआ दूध था। तो दोस्तों मैंने एक लीटर दूध गाय का इसमें डाल दिया है। अब इसमें हम एक बॉइल आने देते हैं दोस्तों, और यहाँ पे देखिए ये जो गेठा वाला हल्दी था उसको मैंने पेस्ट बना लिया, एकदम फाइन पेस्ट बन गया है। तो इसको मैंने फाइन पेस्ट बना लिया है दोस्तों, इतना यूज़ नहीं करना है, एक चुटकी भर हमें इसमें डालना है। हल्दी भी हमारे जॉइंट पेंट्स के लिए बहुत लाभकारी होती है, और जो हमारे शरीर में गाठे उठे बनते हैं ना ट्यूमर उमर, उसके लिए भी ये हल्दी बहुत अच्छा होता है। कच्चा हल्दी अगर आप इस्तेमाल करो वो ज़्यादा बेटर है, उसके बाद आप गेठा वाला हल्दी इस्तेमाल कर सकते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा दोस्तों। तो इससे मैं एक चुटकी इसमें डाल दूंगी, बाकी जो बचेगा दोस्तों उसका मैं वो ये फेस ग्लो में भी बहुत काम, जिसके चेहरे पे फोड़े फुंसी आ जाते हैं ना, जो मेरी प्यारी प्यारी क्यूट से सखा और सखी हैं, अगर इसका पेस्ट बच जाए तो आप कहीं भी फोड़े फुंसी आपके चेहरे पे होगा या पैर में भी शरीर पे कहीं भी, तो आप इसको रगड़ लोगे ना तो वो फोड़े फुंसी हट जाएंगे। और नीम का पत्ता जो होता है उसके साथ आप इसका इस्तेमाल करो तो ज़्यादा ही फ़ायदेमंद होता है, और ये चेहरे पे लगाने से हमारे फेस का चमक बढ़ जाता है। ये नेचुरल है इसीलिए इसके फ़ायदे भी नेचुरल ही है दोस्तों। ठीक है, तब हम इसमें एक बॉयल दूध में हमारे एक बॉयल आने देते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए इसमें बॉयल आ गया है, इसको हम लोग को ज़्यादा पकाना नहीं है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, नहीं तो डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम होता है। ये देखिए दोस्तों मैंने पेस्ट तो किया ही है एलोमोंट्स को, और प्लस ये थोड़ा सा मैंने 6-7 पीस चॉप कर लिया है। सबसे पहले मैं ये डाल रही हूँ, ये इसीलिए डाल रही हूँ दोस्तों ताकि जब हम ये हेल्थ ड्रिंक पिए तो थोड़ा सा क्रंची क्रंची मुँह में समटाइम्स बाइट चला गया ना तो पीने में अच्छा लगता है दोस्तों। ये अगर आपको डालने का इच्छा होगा तो डालिएगा, नहीं डालने का इच्छा होगा तो मत डालिएगा, मुझे अच्छा लगता है मुंह में कुछ बाइट्स आ गए ना तो अच्छा लगता है। तो दोस्तों एलोमोंट्स दे दिया है, अब हम इसमें
एक चम्मच भर के हम इलायची पाउडर डाल रहे हैं। इलायची का फ्लेवर आएगा तो बच्चे आराम से पियेंगे। और जो समय अभी चल रहा है बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं और जो हमारे बड़े बड़े सखी और सखा है वो भी कंप्यूटर लैपटॉप पे काम करते हैं, तो ये हेल्थ ड्रिंक उनके लिए एक औषधि जैसा है दोस्तों। उनको सारी दिन भर की दिनचर्या जो थकान होती है पूरा दूर करेगा ये हेल्थ ड्रिंक। तो इसमें इलायची पाउडर एलमंड्स हमने डाल दिया है और इतना करीब जो मैंने पेस्ट, हल्दी का ज़्यादा मत दीजिएगा, सिर्फ कलर आने के लिए। जैसे हम ये केसर के धागे देने से कलर आ जाता है ना, वैसा ही कलर आएगा। एक मिनट इन सब तीनों चीज़ों को हम एक मिनट तक करीब पकने देते हैं। तो एक मिनट हो गया है दोस्तों करीब, और इसका कलर देखिए कितना परफेक्ट और कितना सुंदर लग रहा है। इसमें अब हम दो दालचीनी देंगे दोस्तों, बहुत छोटा छोटा है ये देखिए। तो इसमें मैंने दालचीनी भी डाल दिया है दोस्तों। अब हमने जो पेस्ट बनाया था तो इन सबको हमने करीब पका लिया है दोस्तों। अब हम अपना ये जो फाइन पेस्ट है सारा मैं इसमें डाल देती हूँ। डालते हुए नहीं दिखा सकती हूँ मैं, सारा ऐसे करके डाल देती हूँ। इस स्टेज पे जब आप ये पेस्ट डालोगे ना तो अपना गैस का फ्लेम कम कर दीजिएगा। समटाइम्स क्या होता है ये डालने से दूध फट जाता है, इसीलिए आप गैस का फ्लेम कम कर दीजिएगा। तो दोस्तों इसमें सारा पेस्ट मैंने डाल दिया है, देखिए वो डालते हुए मैं नहीं दिखा पाई, वीडियो कैमरा से नहीं हो पाता है मोबाइल से। तो हो गया है दोस्तों, देखिए सारा पेस्ट इसमें मैंने डाल दिया है। बस इसको एक मिनट के लिए हमें पकाना है, ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना है, ज़्यादा भारी हो जाएगा तो डाइजेस्ट होने में दिक्कत देगा दोस्तों। एक मिनट तक मैं इसको ऐसे करके लाते रहिएगा ताकि नीचे ना लगे, एक मिनट तक ही पकाना है दोस्तों। और एक वीक में आप 3 दिन इसका सेवन करोगे तो काफ़ी है, ज़रूरी नहीं है कि रेगुलर आप इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब पड़े हुए हैं, क्या होता है थोड़ा सा ये ड्राई फ्रूट्स सब की जितने भी कोई भी ड्राई फ्रूट्स है उसकी तासीर गर्म होती है दोस्तों। तो रेगुलर इन सब का सेवन करने से नुकसानदायक भी हो जाएगा, इसीलिए आप वीक में सिर्फ 3 दिन इस्तेमाल करोगे ना तो जो भी विटामिन मिनरल्स जो भी आपके शरीर में पेन वगैरह सब हो रहा है वो सबको उस समस्या से हटा देगा। तो ये हमारा इम्यूनिटी बूस्टर हेल्दी मिल्क ड्रिंक बनके रेडी हो गया है। बस इसे हमें ज़्यादा और नहीं करना है गाढ़ा। इसका ये देखिए कलर भी कितना प्यारा है दोस्तों, मैं आपको दिखा देती हूँ, लुकिंग नाइस। और इसमें मैंने शक्कर और मीठे का कुछ इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब तो खुद ही मीठे होते हैं, और दूध भी थोड़ा सा ये देखिए थोड़ा सा कम हो गया है, तो दूध भी थोड़ा मीठा हो गया है। साथ अगर आप गुड़ वगैरह सब डालोगे तो आप बंद करके डालिएगा, नहीं तो ऊपर देने से फट जाएगा दूध। अगर आपको चाहिए थोड़ा सा स्वीटनेस तो इतना करीब थोड़ा सा 1/4 डाल सकते हो, जब ये इसको हम नीचे निकाल लेंगे। और शक्कर डालोगे तो मत डालिएगा, वैसे ये सब बहुत मीठा होता है। वैसे भी ऊपर से मैं इसमें कुछ मिलाने वाली हूँ जो हेल्दी ही है दोस्तों, तो जिनको ज़्यादा मीठा पसंद है उनके लिए मैंने, जिनको मीठे के बहुत प्रेमी उनके लिए मैंने कुछ सोच के रखा है ऊपर से देने के लिए। और जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको कुछ भी स्वीट्स वगैरह सब इसमें मत डालिएगा, उनको ऐसे ही अलग से निकाल लीजिएगा। तो हो गया, इस स्टेज पे मैं अपना गैस बंद कर देती हूँ। तो इतना गर्म तो हम नहीं पी सकते हैं दोस्तों, तो इसको हम रूम टेम्परेचर पर आने देते हैं थोड़ा सा, तब हम इसको पियेंगे। दोस्तों ये रूम टेम्परेचर पे आ गया है,
ना ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गर्म है। अब ये सर्व के लिए, और इसका देखिए कैसा, ये बिल्कुल ऐसा ना गाढ़ा है ना पतला। आप जितना मतलब गर्म तो उतना नहीं पीना चाहिए ना ठंडा भी, जो मीडियम होता है उसमें पीने में अच्छा रहता है दोस्तों। तो रात को खाना खा लिया और ये हेल्थ ड्रिंक आप एक गिलास पी लो तो अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए तीन साइज के बॉल हैं दोस्तों, ये मेरी सबसे छोटी बेटी पिएगी इसमें। मैं इस सब में थोड़ा थोड़ा करके भर देती हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अब देख सकते हो सारा मैंने भर लिया है, अब हम इसे इंजॉय करेंगे। साथ ही साथ मैं ये जो साइड में लग गया है, जिनको दूध दही और मक्खन वगैरह सब बहुत पसंद है, इसको आप रोटी के साथ भी साइड से ऐसे करके देखिए, ऐसे करके निकाल लिया। और ये जो डाढ़ी है इसको आप दूध में भी दे के पी सकते हो और रोटी के साथ भी बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें हमने गुड़ वगैरह, अब इस स्टेज पे अगर जिसको ज़्यादा मीठा पसंद है तो हल्का सा आप गुड़ दे दोगे, पीस के मिला के पी सकते हो। नहीं तो बेस्ट ऑप्शन है पतंजलि का हनी है, प्योर शुद्ध है दोस्तों। तो आप हल्का सा इसमें हनी दे सकते हो, हनी दे के पी सकते हो। ये भी कफ़ वगैरह ठंडे के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप इसमें एक चम्मच लेके ऐसे करके मिला दोगे, तो मैं तो हनी दे के पीऊँगी दोस्तों, इसीलिए मैंने आपको दिखा रही हूँ। जिनको मीठा पसंद है वो इसमें हनी दे के इसमें पियेंगे। और अगर बच्चे आपके इस हेल्थ ड्रिंक को पीने में नाकर नुकर करेंगे, ज़्यादा मत दौड़िएगा मेरे दोस्तों सखा और सखियों, बस कुछ नहीं करना है। इसका ढक्कन ओपन कीजिए, और ये जो छोटी सी है मेरी कात्यायनी वो नहीं पीती है, ऐसे करके यमी यमी टमी ऐसे करके देखिए यमी टमी मिला देंगे आप। तो ऐसे देखिए ऐसे मिला के वो आराम से पी लेगी दोस्तों। तो दोस्तों बच्चों वाले में मैंने थोड़ा चॉकलेट से मिला दिया, और जिनको मीठा थोड़ा सा मैं हल्का सा, क्योंकि ये आयुर्वेदिक भी है और इसमें थोड़ा सा दे दोगे ना तो कफ वगैरह गला की खलास वगैरह सब जो है वो आपका, और स्वीट अगर जिसको ज़्यादा पसंद है वो आप बेस्ट ऑप्शन है शुगर से, तो आप इसको ऐसे करके। तो दोस्तों आपकी ये रामबान इम्यूनिटी बूस्ट जो वायरल इन्फेक्शन हो जाता है उसके लिए, ये आपकी प्यारी से हेल्थ ड्रिंक बनके रेडी हो गई। इनफैक्ट कोको कोला और थम्स अप मिरिंडा सबसे तो ये हेल्थ ड्रिंक बढ़िया ही है दोस्तों। तो जब तक दोस्तों फिर मैं ऐसे हेल्दी रेसिपी के साथ मिलती हूँ, तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपनी इस प्यारी सी दोस्त को ये हेल्थ ड्रिंक पी के याद करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।